दोस्तों तैयार हो जाइए जानवरों की हंसा देने वाले कारनामे देखने के लिए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको फनी और अजीब कारनामे देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि यार ये किस टाइप का जानवर है जो ऐसी हरकतें करता है। तो ये वीडियो काफी मजेदार साबित होने वाली है, इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट 109। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अब ये चूहा अपना वजन कम करने इस रोलर में भाग रहा था, जिसके चलते चूहे ने नीचे रखे अपने बच्चों को उठाया और उन्हें भी रोलर पर रख दिया, जो कह रहा होगा चलो भागो यहाँ से, एक्सरसाइज करने दो। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा। प्यारे बच्चों, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार मैं तो। अब जरा इस क्लिप में दिख रहे इन पेंगुइन्स को देखिए, जो आगे क्या करता है। तो देखा आपने, इस पेंगुइन ने पीछे देखे बिना ही अपनी पिचकारी पीछे सो रहे पेंगुइन के मुंह पर छोड़ डाली, जिसके बाद पीछे वाला पेंगुइन भी सोच रहा होगा कि यार बिन मौसम बरसात कैसे हो गई। खैर लगता है आज भाई ने बाहर का खाना जरा ज्यादा ही खा लिया, जिस कारण पीछे वाले को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। ये क्या होता है? फर्स्ट क्लास, खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भाई जानवर कब क्या कर देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब ये मस्ती के मूड में होते हैं तब इनके अंदर अचानक से बॉक्सिंग का भूत सवार हो जाता है और ये सामने वाले को धो देते हैं। वैसा ही एक नजारा हमें अगली क्लिप में देखने के लिए मिला, जिसमें अपना कुत्ता भाई आराम से बैठा था और सामने ये बिल्ली उसे लाड प्यार करने में बिजी है, जिसके चलते अपना कुत्ता भाई भी बड़ा खुश हो गया। लेकिन तभी अचानक से बिल्ली ने उस पर हमला कर डाला। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर प्यार रूप बना लिया। मेरे साथ मजाक करेगा तू? यहाँ इस क्लिनिक में घोड़े का ट्रीटमेंट शुरू था, जिसके चलते डॉक्टर घोड़े के दांत साफ कर रहा था और ये भयानक नजारा देखकर बाहर खड़ा घोड़ा डर गया, जिसकी एक्सप्रेशन से तो ये समझ में आ गया कि भाई मन ही मन सोच रहा होगा कि ये डॉक्टर मेरे दोस्त के मुंह के ये क्या कर रहे हैं। मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया, मेरे को प्लीज घर जाके करना। घर तक नहीं जाऊंगा, मेरा निकल जाएगा, प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में, समझ जा कर मेरा किडनी खराब है। ए बाबा ये भाग जाएगा, चल ये भाग जाएगा। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों को दूर से देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो सभी जानवर ऐसे नहीं होते, कुछ इस हिरन जैसे शौकीन भी हो सकते हैं। कसम से यहाँ ये हिरन रास्ता पार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गाड़ी में बैठे लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब हिरन वही रुककर कैमरे में देखने लगा और पॉज देने लगा। यही नहीं, बाद में भाई ने रास्ते पर ही रैंप वॉक भी शुरू कर दी, जिसे देखकर लगता है भाई रैंप वॉक की पूरी ट्रेनिंग लेकर यहाँ आया है। कर पंगा नहीं लेती, लेकिन जब उनकी उंगली करने का मन होता है तब ये अपने कुत्ता भाई को भी नहीं छोड़ती। लेकिन अभी हम कुत्ता भाई की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं, जिसमें इस बिल्ली ने खाली फोकट इस मुर्गी को टपली दे डाली, जिसके बाद मुर्गा बिल्ली पर चार्ज हो गया और उसने एक टपली का बदला लेने के लिए बिल्ली को यहां से वहां पटक दिया, जिसके बाद बेचारी बिल्ली भी सोच रही होगी कि यार आज तो गलत आदमी से पंगा ले लिया। क्या रे भीख मंगया, क्या देख रहे? दादागिरी करेगा तुम मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। समझ गया भाई। यहाँ ये फोटोग्राफर लेट कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था कि तभी वहाँ इस लोमड़ी की एंट्री हो गई, जो इस फोटोग्राफर को अपने एरिया से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में बेचारी खुद भी डर गई। खैर उसे पता चल गया कि फोटोग्राफर को भगाना उसके बस की बात नहीं है, जिस वजह से वो कैमरे के सामने आकर पॉज देने लगी, जो कह रही होगी जल्दी जल्दी मेरा क्लोजअप शॉट ले लो वरना तुझे तो क्लोज ही कर दूंगी। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? ए, चले चल 1, 2, 4, चल निकल यहाँ से चल। अरे आदो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा नहीं। देखो धरंद की चेहरे से टपकती है नंबर 1 का कबीना,
छी 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 आंखें देखो, नियत में खोट, साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। मैं देखता तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया जिस्माइल ऑटो खींचेगा ना, ले खींच 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 ऑटो खींच। क्या बात है भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना सोचते हुए। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। अब ये कुत्ता आराम से सो रहा था कि तभी अचानक क्या हो गया ये आप खुद देख लीजिए। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आई है, शर्म नहीं आई तुझे? मैं क्यों शर्म करूं, जिनको आनी चाहिए उनको तो नहीं आ रही। तो देखा आपने, ये अतरंगी डक आराम से सो रहे कुत्ते पर से चलकर आगे निकल जाता है, जिसके चलते बेचारे कुत्ते ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लगता है भाई को डक का ऐसा कारनामा रोज रोज सहना पड़ता होगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 110 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए 110। आज के दौर में भी कई जंगली जानवरों को केज में कैद करके रखा जाता है ताकि सर्कस जैसी जगहों पर लोगों का मनोरंजन हो सके, लेकिन किसी के मनोरंजन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक शेर को फिर से उसके घर यानी जंगल में छोड़कर उसे आजाद किया गया। ये शेर 30 साल एक सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए कैद था, जिसे आखिरकार फ्रीडम मिल ही गई। इस शेर ने अपनी जिंदगी में पहली बार घास और मिट्टी को महसूस किया, जिसकी ये हरकत सच में काफी प्यारी है और आजादी की खुशी इस शेर के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। यहाँ ये बिल्ली पेड़ पर चढ़ना चाहती है, जिसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा आखिर क्यों कर रही है। तो हम आपको बता दें कि पेड़ पर अपना बेयर भाई छुपकर बैठा है, जो बिल्ली से डर कर वहां बैठा था। खैर हम आपको ये भी बता दें कि पहले इस बिल्ली ने ही बेयर को डराकर ऊपर भेजा था, पर वो खुद ऊपर नहीं जा पाई और बेयर भाई बच गया। साले कुत्ते, साले को छोड़ूंगा नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बाल बाल बच गया रे देवा। फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है, जिसके चलते लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी कतराते हैं, लेकिन बेचारे जानवरों को न चाहते हुए भी ठंड सहनी पड़ती है, जिस वजह से क्या हो सकता है ये आप यहाँ देख लीजिए। इस क्लिप में एक डियर यानी हिरन ठंड की वजह से जम गया, पूरा मुंह बर्फ से भरा होने की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। और तभी इसे एक आदमी ने देखा और उसे बचाने के लिए हिरन के पास गया, लेकिन डर के मारे हिरन वहां से भाग निकला। लेकिन आखिर में हिरन को पता चला कि आदमी उसकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद उसके मुंह और आंखों से बर्फ हटाई गई और हिरन खुशी खुशी वहां से चला गया। इस इंसान ने जो किया उसके लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आपने कभी किसी जानवर की मदद की है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। गाइस आपने कई मूवीज में या फिर कहो जू में किसी गोरिल्ला को अपनी छाती पीटते हुए तो देखा ही होगा, जो अपनी फीमेल पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, बड़े गोरिल्ला का तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये छोटे उस्ताद क्या कर रहे हैं? तो देखा आपने, ये छोटा गोरिल्ला तो बचपन से ही अपनी छाती पीटने की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसके दौरान बेचारा वहीं लुढ़क गया। खैर पता नहीं ये इतना छोटा होने के बावजूद किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लगता है भाई को शादी की जरा ज्यादा ही जल्दी है। अरे मम्मी रे,
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात। गाइस, कुत्ते को आपने इंसानों के साथ पंगे लेते हुए या फिर कहो उन्हें उंगली करते हुए तो कई बार देखा होगा, जिसमें कुछ कुत्ते तो लोगों के डायरेक्ट पीछे ही लग जाते हैं, लेकिन इस सब का बदला बस एक आदमी ने ले लिया, जो कि आप इस सीसीटीवी में देख लीजिए। यहाँ ये कुत्ता रास्ते से आगे जा रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने कुत्ते को उंगली की और चुपचाप आगे चला गया, जिसके बाद कुत्ता अभी भी यही सोच रहा है कि यार आखिर मुझे उंगली की किसने। एक्सक्यूज मी यंग मैन, कहाँ है आप? मजाक उड़ाता है, बोलो तेरी मम्मी को। Nonsense. खैर बात कुछ भी हो, ये नजारा देखने में तो बड़ा ही फनी है, क्योंकि अपना कुत्ता भाई कई देर तक उस आदमी को ढूंढता रहा जिसने उसे पीछे से टोका था, जबकि वो आदमी तो वहाँ से 9-11 ही हो गया। ए, तेरा पजामा फटा है, फटे ले। टोपी पहनाया साले ने, मेरे को चूना लगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुत्ते भाई को कितनी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं सो रहा। वो इसलिए क्योंकि उसके बगल में बैठा पैरट उसे सोने नहीं दे रहा, जो उसे अपना गाना गाकर सुना रहा है। One hour later. जबकि कुत्ता भाई पैरट का गाना सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ये आप कुत्ते के एक्सप्रेशन से साफ समझ सकते हैं, जो कह रहा होगा सुबह सुबह कौन आवारा कुत्ता भौंक रहा है पता नहीं। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं, गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था, और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, और दोनों तरफ से खाई। Six and a half hours later. गर 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 गर। समुद्र काफी बड़ा होता है और उसमें अनगिनत समुद्री जीव मौजूद है, जिनमें से हमने कई जीवों को अभी तक देखा भी नहीं है, और यही देखने के लिए जब स्कूबा डाइवर समुद्र की गहराई में जाते हैं तब उन्हें एक ऑक्टोपस प्लास्टिक के ग्लास में बैठा दिखाई देता है। इस ऑक्टोपस ने बाकी शिकारी जीवों से अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन प्लास्टिक ग्लास ऑक्टोपस के लिए हानिकारक था, जिस कारण डाइवर्स ने ऑक्टोपस को अलग अलग साइज के शेल दिखाए ताकि ऑक्टोपस अपने रहने लायक शेल चुन सके। खैर आखिर में ऑक्टोपस को उसका पसंदीदा शेल मिला और वो उसे लेकर वहां से निकल गया, और जाते जाते भाई ने इन डाइवर्स को थैंक्स भी कहा। सच में यार डाइवर्स के इस काम का तो जवाब नहीं, जिनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। भैया कुछ और दिखाओ यार, मजा नहीं आया। अच्छी क्वालिटी में थोड़ा कोई और कलर दिखाओ ना यार। नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे। भैया कोई अच्छा दिखाओ ना, दुकान में आपकी यही है क्या? नहीं यार इसमें मजा नहीं आया भैया। ये लगी ना बढ़िया चीज, हाँ ये मस्त लगी, धन्यवाद। खैर जानवरों के ऐसे हंसा देने वाले कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।